नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में जिसे करने से न केवल आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे बल्कि बिना एक पैसा खर्च किए और बिना भारी भरकम एक्सरसाइज किए 24 घंटों में मात्र 5 मिनट आप इसे करने से सभी प्रकार की बीमारियों से जीवन भर बचे रहेंगे। फिर चाहे कोरोना जैसी बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, हार्ट पेशेंट्स कोई हो या ऐसी कोई बीमारी हो जिसका अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, उन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, इसे क्यों करें या इसके क्या फ़ायदे हैं या कौन कौन कर सकता है, और जानेंगे कि कब और कैसे करना चाहिए और इसे करने की बिल्कुल सही विधि क्या है। इन सब के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है और इसे क्यों करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसे कौन कौन कर सकता है, और साथ ही जानेंगे कि इसे कब और कैसे यानी इसकी करने की सही विधि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन की हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ मनन साधना या ध्यान मुद्रा होता है। मेडिटेशन एक तरीके का संपूर्ण आसन है जो न केवल शरीर को बाहरी रूप से निखारता है बल्कि हमारे मस्तिष्क, हृदय आदि महत्वपूर्ण भीतरी अंगों को ऊर्जा से भरपूर या कहें कि कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी करने का एक अद्भुत तरीका है जिससे हमारा पूरा जीवन रिजुवेनेट हो जाता है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि एक शारीरिक अभ्यास है, इसलिए किसी भी धर्म के लोगों द्वारा इसे किया जा सकता है। इसे हम अपने लक्ष्यों पर फोकस करने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए यह एक ऐसी क्रिया है जो हमारे भविष्य में होने वाले कैसे भी हमारे परेशानियां या हमारे गोल्स हों उनको अचीव करने के लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। अब क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि मेडिटेशन होता क्या है, तो अब हमें ये सोचना है कि क्या मेडिटेशन हमें करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो हम इसके लिए हम सबसे पहले ये बताएँगे कि ये कौन कौन कर सकता है। मेडिटेशन किसी भी धर्म या जाति के महिला या पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये एक संपूर्ण व्यायाम है, ना केवल बाहरी बल्कि भीतरी रूप से हमारे शरीर को मजबूती और ऊर्जा प्रदान करता है। यह एक शारीरिक क्रिया है, ना कि कोई धार्मिक कर्मकांड वगैरह। यह हमारे पूरे शरीर को ओवरहॉलिंग करता है, जिस तरीके से हम अपने वाहन को ओवरहॉलिंग कराते हैं जब वो पुराना हो जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में जैसे हम रोज़ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी करने से, कुल मिला के मेडिटेशन करने से हमारा शरीर अंदर से पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग हो जाता है और साथ ही साथ हमारे मन को वर्तमान में चल रही परेशानियाँ या भविष्य में होने वाली परेशानियों को पहले से तैयार करता है। और इसके प्रमुख फायदे अगर बताए जाएं तो प्रमुख रूप से अवसाद से मुक्ति, सभी प्रकार की मानसिक रोगों से मुक्ति, बेहतर भावनात्मक सपोर्ट, शरीर के किसी भी अंग को भीतरी रूप से मजबूत करना। जैसे हम एक गहरी सांसों के अभ्यास करते हैं तो हमारे फेफड़े, हृदय को एक ऊर्जा मिलती है जिससे वह भविष्य के लिए और बेहतर बनता है। मेडिटेशन को रोज करने से हमारे तनाव में मुक्ति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी क्रिएटिव यानी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है और आपके पेशेंस और टॉलरेंस को भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है, जिससे आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आने की प्रवृत्ति को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारी याददाश्त मजबूत होती है और हमारी याददाश्त तीक्ष्ण और तेज़ी से काम करने योग्य हो जाती है। हम अपने लक्ष्यों के प्रति ज़्यादा क्षमतावान बनते हैं। हमारे शरीर में कैसी भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो उससे हमें मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर में मरने वाली कोशिकाओं की मृत्यु दर में कमी आती है,
जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ व जवान बने रहता है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारी उम्र बढ़ती है, और न केवल उम्र बढ़ती है, हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी मिलता है। यह एकमात्र कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि कई साइंटिस्टों मेडिकल एजेंसियों द्वारा प्रूव किया जा चुका है कि डेली मेडिटेशन करने से हमारा शरीर अंदर से काफ़ी मजबूत हो जाता है और हम भावनात्मक रूप से काफ़ी सक्षम और मजबूत बन जाते हैं, और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही डिसीजन लेने की क्षमता और मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे पुराना साक्ष्य हमारे वेदों से प्राप्त होता है। इसलिए इसे लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि यह एक हिंदू धर्म का कर्मकांड है। वास्तव में हिंदुओं द्वारा बताई गई एक ऐसी क्रिया है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब क्योंकि यह एक धार्मिक कार्य ना होकर शारीरिक कर्मकांड है, इसलिए इसे धर्म की सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। हमें अच्छी आदतों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह जहाँ से मिलें। अब क्योंकि पहले स्टेप में हमने ये जान लिया है कि मेडिटेशन होता क्या है, और दूसरे स्टेज में ये भी जान लिया है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कर सकता है, अब हम तीसरे स्टेज में पहुँचेंगे और उसमें ये जानेंगे कि या तो हम मेडिटेशन हमें करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं, अगर करना है तो हमारे मन में ये एक क्वेश्चन आएगा कि इसे कब और कैसे करना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अब हम ये जानेंगे कि इसके करने की सही क्रियाविधि क्या है। तो अब हम जानेंगे इसकी सही क्रियाविधि क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक उपयुक्त समय और स्थान का चयन करें। वैसे मेरा सुझाव यह है कि इसे करने का सबसे सही समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य होता है, जब सभी तरफ शांति होती है और कोई चहल पहल नहीं होती है। इसके बाद एक आप ऐसा स्थान चुनें जहां कोई शोरगुल ना हो। यह सबसे उपयुक्त स्थान आसमान के नीचे खुले में ही हो सकता है, क्योंकि इस क्रिया में कोई आवाज़ नहीं होती है। इसलिए आप चाहें, अगर आपके पास स्पेस या जगह नहीं है, तो आप अपने घर के अंदर भी ये कार्य कर सकते हैं। करने से पूर्व आप अपने दैनिक कृत्यों से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद आप हल्का और काफ़ी फ्रेश और बेहतर महसूस करेंगे। इसके उपरांत आप अपनी चयनित स्थान पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और आँखों को बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस भरें। जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोक सकते हैं, रोक लें। इसके उपरांत आप धीरे धीरे सांस को मुख से छोड़ते समय ओम की ध्वनि को उच्चारित करें। यह ओम की ध्वनि को आप एकदम से ओम ना करके छोड़ें, बल्कि धीरे धीरे छोड़ें, जैसे ओ। अगर आपको इस तरीके की ध्वनि उच्चारण करने में कोई दिक्कत हो तो आप मेडिटेशन सॉन्ग की मदद ले सकते हैं। दरअसल मेडिटेशन सॉन्ग आपको एक ओम ध्वनि का धीमे धीमे उच्चारण करते हुए सुनाई पड़ता है, जिसे आप देखकर या सुनकर अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आँखों को खोल कर यह क्रिया करते हैं तो आप जब चाहें कभी भी यह क्रिया कर सकते हैं, जिसमें आप एक ऑडियो वीडियो चलाकर जिसमें मेडिटेशन सॉन्ग हो उसकी सहायता से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में एक मेडिटेशन सॉन्ग या वीडियो भेज देंगे। अब आपको बताते हैं कि यह क्रिया कितनी देर तक करनी है। ऐसी क्रिया आपको 10 से 15 बार सांस को लेने और छोड़ने की करनी है। यह पूरा समय लगभग 5 से 10 मिनट के भीतर व्यतीत हो जाएगा। आपको धीरे धीरे ये करना है कि इस प्रक्रिया को अगले दिन या उससे अगले दिन में हर एक दिन एक एक मिनट बढ़ा के करना है, जिससे आप अंदरूनी रूप से काफ़ी मजबूत बनते जाएंगे। अगर आप आँखों को बंद करके ये क्रिया ना करना चाहें तो अपनी आँखों के समक्ष या तो कोई ध्यान केंद्रित करने के लिए वस्तु या लाल पुंज अपने समक्ष रख लें। ऐसी प्रक्रिया जब आप रोज़ करेंगे तो आप अंदर से काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे
और सभी प्रकार की भौतिक परेशानियों से लड़ने में आप काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।